मुख्यमंत्री ने आज कांकेर रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक 2019 बैच अनुसूचित क्षेत्र द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का जो लक्ष्य रखा है उसकी अहम कड़ी के रूप में आप अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अंग के रूप में काम करने वालों को उनका उचित हक और अधिकार मिले, यह सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। जो भी सरकार की व्यवस्था से जुड़कर काम कर रहे हैं उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, क्योंकि आपके सहयोग से ही राज्य में विकास की गति को तेज किया जा सकता है। और भी कई चुनौतियां हैं जिसे दूर करने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। यहाँ पर हमारी नौकरी बची है सरकार की वजह से, और हम यहाँ पे उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए हैं। बहुत सारे शिक्षक 13 जिला से मिलकर यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ बहुत खुशी और उल्लास के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितनी आवाज़ आ रही है, सबकी खुशी आपको साक्षात दिखाई दे सकती है। बहुत खुशी है इस केस को जीत कर 3677 परिवार उनके शुभचिंतक में खुशी आई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब हम केस फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में उसका स्वागत किया, एसएलपी के माध्यम से हमारी वकालत कराई मुख्यमंत्री महोदय ने। तो इस तरह से हमारा मुखिया का बहुत अहम भूमिका रहा है हम शिक्षकों को बचाने के लिए। आज 13 जिला के अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक शिक्षिकाएं अपने मुखिया को आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। महोदय से हम निवेदन करते हैं कि हम आपके नेतृत्व में झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में जो सपना आप देख रहे हैं हम उसमें मील का पत्थर साबित होंगे उसमें परिवर्तन लाने के लिए। और सारे शिक्षक अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करेंगे। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होगी, शिक्षा व्यवस्था अभी मैं आपको बता दूं जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक्सेलेंस स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आया है, 80 स्कूल राज्य के एक्सेलेंस स्कूल बनने जा रहे हैं जिसको सीबीएसई से अपलेशन होना है। उसमें गरीब बच्चे ऐसे जिसके माँ पिताजी सोचते थे कि हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करा पाएंगे, वैसे बच्चों का सपना साकार होने जा रहा है। और हम बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भी वैसे विद्यालय में कार्यरत हैं और हम इनके सपना को पूरा करने में अपनी जो भूमिका होगी उसमें 100% लगाने की पूरी ताकत झोंक देंगे। हम लोग का नौकरी के लिए मतलब सर से आभार प्रकट करने आए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। और ऐसे ही बना रहे और हम लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे और हम लोग का कुछ दिक्कत नहीं हुआ। आगे बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुश हूँ और थैंक यू बोलना चाहूँगी चीफ मिनिस्टर को जो हमारे हक में उन्होंने फैसला किया और हमारी भावनाओं को समझा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द प्रयास चीफ मिनिस्टर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।